व्हाट्सएप वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हो, हमेशा देखते हो या फिर एक दो वीडियो या फिर कुछ मेरे वीडियोस देखे हुए हो तो फिर थैंक यू सो वेरी मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक भी कर देना, ये बिल्कुल भी मत भूलना। और आज मैं आप सभी को एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो दिखाने वाली हूँ, और थंबनेल में तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक में मैं आज वीडियो आप सभी को दिखाने वाली हूँ। सो यस, मैं आज सभी को ईद के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, और जिसमें मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट मैं यूज़ करके दिखाने वाली हूँ, और इसमें फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब फाउंडेशन एक महंगी सी चीज़ है, लेकिन और अगर आप लोग कम प्राइस वाला फाउंडेशन अगर लगाएंगे तो फिर अच्छा होगा स्किन पे या नहीं, ये बहुत लोग सोचते हैं। तो इसीलिए मैं आज सभी को सीसी क्रीम यूज़ करके ही मेकअप दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सीसी क्रीम लैक्मे का है, और मतलब ये चीप मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब 100 रुपीज़ में भी आप सभी को मिल जाएगी। और सो इसीलिए आप सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हो बिना कुछ ऐसा सोचे कि ये हम लोग के स्किन के लिए अच्छा रहेगा या नहीं, आप लोग बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हो और कॉस्टली भी नहीं है। इसीलिए मैं आज से क्रीम पे ही मेकअप करके आप सबको दिखाने वाली हूँ। सो ज़्यादा लेट ना करके वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी विद पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, जो कि मैंने पहले भी आप सभी को वीडियोस में बताई थी कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मेरी करंट फेवरेट है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप लोग कोई भी एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका स्किन अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएगी। आपके पास जो वाओ का हो या फिर पतंजलि का हो या फिर वेजलिन का हो या फिर हिमालय का हो, जो भी जिस भी या फिर होम मेड अगर हो तो भी उसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो फिर आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ तो फिर आप लोगों को ये वाली ही यूज़ करनी ही पड़ेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो और आपका ऑयली स्किन है, और या फिर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये तो मतलब अच्छी नहीं है जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो फिर मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये वाली इससे भी एक छोटी है, इसका ग्राम है आई थिंक 73 ग्राम, इसका एक छोटा वाला पाउच भी है, आप लोग वो छोटा वाला यूज़ करके भी एक बार ट्राई कर सकते हो कि आपके स्किन पे ये अच्छा रहेगा या नहीं, आपको सूट करता है या नहीं। लेकिन ये मतलब अगर आपका ऑयली स्किन है तो फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो बिना किसी मतलब सोचे, और अगर आपका ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन वाला स्किन है तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। लिप को मॉइस्चराइज़र करने के लिए मैं लिव लैक्मे का लिप लव लिप बम यूज़ करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग मतलब गर्ल्स या फिर वुमेन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो लोग मतलब कोई भी ऐसा लिपस्टिक या फिर लिप बम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग चीप प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा अननोन कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तो फिर उनका लिप ख़राब हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, इट्स ट्रू, हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई भी लिप बम यूज़ मतलब अभी तक श्योर नहीं हो कि हम लोग कौन सा वाला लिप बम यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिप के लिए सेफ होगा, तो फिर मैं हमेशा आप सभी को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लैक्मे का लिप लव लिप बम ही यूज़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिप्स के लिए। और अगर आप लोग खरीदना चाहते हो लिप बम तो फिर आप लोग ये ही खरीदना। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टर मालियों की, मैं हमेशा ये ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का सीसी क्रीम,
और ये है 30 ग्राम का और इसका प्राइस है 300। इससे छोटा वाला भी है, उसका प्राइस है 99 रुपीज़। आप लोग वो भी खरीद सकते हो। और मैंने जो शेड ली है इसका आई थिंक 03 ब्रॉन्ज है। लगाने वाली हूँ इनसाइड का कंसीलर और मैं हमेशा इनसाइड की ही लगाती हूँ हमेशा। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट और इसका शेड नंबर है 310 सन बेज।